हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ब्लॉग विथ एनके में, और मैं हूं करण कुमार। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं जो लहतारा से BLW सुंदरपुर लंका होते हुए भेलपुर विजया तिराहा तक जो 4 लेन और 6 लेन का प्रोजेक्ट है वो कितना हुआ है और कितना क्या हो रहा है, वही आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस प्रोजेक्ट में जहाँ पर 4 लेन है वहाँ पर 6 लेन बनाया जाएगा रोड, और जहाँ पर 2 लेन है वहाँ पर 4 लेन बनाया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट की टोटल लागत में बात करूँ तो टोटल लागत है 237 करोड़ रुपए लगभग। तो चलिए चलकर देखते हैं कितना कार्य हुआ है। तो साथियों, अभी हम लोग लहतारा में हैं और यहाँ से चलकर आपको दिखाते हैं जो 4 लेन और 6 लेन का कार्य हो रहा है लहतारा मड़ुआडी चौराहे से होते हुए दिखारी तिराहे साइड, वही हम आपको दिखाने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप, इधर पूरा जो है खनाई खुदाई हो चुकी है। तो इस रोड पर जो है जहाँ पर 4 लेन है वहाँ पे 6 लेन हो रहा है, जहाँ पे 2 लेन वहाँ पे 4 लेन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इधर ये पूरा खन दिया गया है। आई होप गाइस की वीडियो क्वालिटी सही आ रही होगी, क्योंकि सामने से धूप आ रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये खनाई का कार्य चल रहा है। और इधर का जो है मतलब पूरा तोड़ लिया गया है। और नाले के लिए जो जगह है उधर भी जो है निशान लगा दिया गया है कि कितना में नाला रहेगा और कितना में सर्विस लेन रहेगा, जो भी रहेगा वो सारा निशान भी लगा दिया गया है। और इस रोड पर भी मतलब ये जो कार्य है इस प्रोजेक्ट का, उसमें भी तेज़ी आई है, वो भी कार्य बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि इधर साइड में पूरा खन दिया गया है। तो मैं अभी इधर का वीडियो नहीं बनाया था, तो मैं सोचा कि आज पहले आकर इसे भी बना लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने जो शिवपुर से फुलवरियाँ वाला लहतारा चौराहे वाला वीडियो वो भी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, और मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा इस वीडियो के, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। इधर देख सकते हैं ये पूरा खन दिया गया है साइड में। ये जो रोड है वो लगभग 275 करोड़ रुपए के खर्च से बन रहा है। और इसकी जो चौड़ाई की मैं बात करूं तो इसकी चौड़ाई भी 56 मीटर होगी। इस रोड का कार्य भी PWD के अंतर्गत हो रहा है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो देख सकते हैं कि ये पूरा इधर खन दिया गया है। और सामने एक छोटा सा मंदिर है, अभी अभी देखिए हटता है कि क्या होता है। और सामने मोड़वाड़ी चौराहा है, तो ग्रीन लाइट ऑन है, चलिए चलकर देखते हैं जाते जाते क्या होता है। दोस्तों, इस चौराहे से जो दाहिने साइड का रोड है वो चला जाता है कलेक्टिव फार्म और मुढ़ैला के लिए, और वहीं बाएं साइड का जो रोड है वो मोड़वाड़ी आरोपी से होते हुए मामूरगंज के लिए चला जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। इधर तो दोस्तों कोई कार्य नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, तो मैं इसको टाइम लेफ्ट में दिखाता हूँ आप सबको, और जहाँ पे कार्य हुआ रहेगा वो मैं आपको दिखा दूँगा। तो चलिए चलते हैं। देख सकते हैं बनारस रेलवे स्टेशन,
सामने उसका प्रवेश द्वार है, द्वितीय प्रवेश द्वार। इस रूट पर भी बहुत ज़्यादा जाम लगता है दोस्तों। इस रोड को फोर लेन बनाया जा रहा है। सामने ये जो पुल आप देख रहे हैं ये टू लेन है, तो जब ये फोर लेन कर लिया जाएगा तो इससे वाहनों की जो संख्या है और लोड है वो बढ़ जाएगा, तो ये पुल तो उस हिसाब से कमज़ोर पड़ जाएगा। तो देखिए क्या होता है, इस पुल को भी बनाया जाता है कि क्या किया जाता है, अब ये तो बाद में पता चलेगा। हालांकि इस पुल को भी फिर से बनना चाहिए, क्योंकि इस रोड मतलब ये जब रोड बन जाएगा तो इससे वाहनों का लोड बढ़ जाएगा, तो ये टिक नहीं पाएगा पुल। देख सकते हैं कि कितना इधर ट्रैफिक है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम काशी हिंदू विश्वविद्यालय संत रविदास मंदिर गुर्जर रेल कारखाना चितईपुर सामनेघाट संकट मोचन मंदिर। अभी हम लोग जो है DLW में आ चुके हैं और इधर पे भी कोई कार्य नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पता चला है कि आगे जो है कार्य ने रफ्तार पकड़ लिया है, तो वही मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ। चलकर देखते हैं कि कितना कार्य मतलब हो रहा है। देख सकते हैं कि आप इधर ये पूरा खनाई हो चुका है। इधर आप देख सकते हैं बाएं साइड में कि ये पूरा खनाई खुदाई हो चुका है, ये बाउंड्री के एकदम पास तक। और वैसे ही उधर साइड में भी, यानी कि दाहिने और बाएं साइड दोनों साइड में पूरा खन दिया गया है, जबकि अभी कुछ महीने पहले इधर बहुत कई करोड़ खर्च करके दोनों साइड में टाइल्स वगैरह लगाया गया था, लेकिन उसे खन दिया गया है। सामने भिखारीपुर तिराहा है, ग्रीन सिग्नल ऑन है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। चलकर देखते हैं और आगे कहां तक कार्य हुआ है, क्योंकि इस कार्य में भी तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी तेजी आ चुकी है। दिखा रही थी और सामने जो रास्ता वो चला जाएगा आखिरी बाईपास के लिए, सीधा रास्ता आखिरी बाईपास के लिए चला जाएगा जितेपुर से होते हुए। और ये जो रास्ता है सुंदरपुर से होते हुए के लिए चला जाएगा। और मुझे नहीं लग रहा है कि इधर कोई कार्य हुआ है, जो भी कार्य हुआ इधर DLW से भिखारीपुर तिराहे तक यानी कि 200-300 मीटर में हुआ है, और बाकी मड़वाडी चौराहे से लहतारा चौराहे के बीच में हुआ है कार्य, और इधर तो कोई कार्य नहीं हुआ है। तो साथ ये
साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे बस यही आपको अपडेट देना था कि कितना कार हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।